नमस्ते फ्रेंड्स, ये है अनबॉक्सिंग रिव्यू लैपटॉप टेबल का, जो कि अमेज़न से ख़रीदा हुआ है। वर्क फ्रॉम होम के कारण हमें काफ़ी बार बेड पर बैठ के या ज़मीन पर बैठ के काम करना पड़ता है, और उस लिए मैंने ये एक बेड टेबल या लैपटॉप टेबल अमेज़न से मंगाया है। इसको मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, बट क्योंकि ये वीडियो आपसे शेयर करना था तो, और एक बार मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकिंग में आया है, ये मुश्किल से 1 या 1.5 इंच का थिकनेस है इस पैकिंग का। और ये जब आया था तब इस प्लास्टिक में बहुत अच्छे से श्रिंक रैप किया हुआ था। ये पैकिंग मैंने खोल दी थी क्योंकि मुझे उसी टाइम लैपटॉप रख के और चेक करके देखना था, तो बहुत अच्छी तरह से ये इस प्लास्टिक में रैप्ड आया हुआ था। और ये है इसका बैक साइड है ब्राउन कलर का, और ये आप देख सकते हो जो कप होल्डर का नीचे का पार्ट है, ये उसके लेग्स है। जब इसे ओपन करते हैं तो एक स्प्रिंग टेंशन जैसा फील होता है, जो यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे यह आके रुक जाता है, उसके बाद थोड़ा और प्रेशर दें तो यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे रुक जाता है। तो ये 1, 2 यहाँ पर भी थोड़ा सा टेंशन फील होता है। अगर इसे भी देखें तो ये बहुत ही स्लिम, बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही कॉम्पैक्ट, इजी टू कैरी है। ये है इसका थिकनेस। रेफरेंस के लिए एक मस्कीटो बैट में यहाँ रख रहा हूँ ताकि आप तो देख सकें। और इसमें हमें एक कप होल्डर या ग्लास होल्डर दिया हुआ है, और साथ में ही एक आईपैड या मोबाइल पर वीडियो कॉल जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पर एक पेन स्टैंड है। बहुत इजी ऑपरेशन है इसका, बहुत इजीली ओपन हो जाता है। और बस सिर्फ उसके लेग्स ओपन करने के बाद ये हो जाता है रेडी टू यूज। ये आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा कुशनिंग दिया हुआ है। ये सॉफ्ट पार्ट है, इस जो लेग्स है ये स्टील के बने हुए हैं। यहाँ दी हुई है इसकी पाइपिंग, ये थोड़ी सी टेबल से ऊपर। ये टेबल का सरफेस लैमिनेटेड है, अगर उसको मैं एकदम जूम करूं तो आप देख सकते हो। जो कप होल्डर है वो है प्लास्टिक का, वो ऑफ कोर्स ये बाहर आ जाता है बहुत इजीली। और जब इसमें कप रहेगा तब वो अपनी जगह पर टिका रहेगा। तो अब देखते हैं कि कैसे हम इस पर लैपटॉप रखते हैं तो ये कितनी जगह देता है हमें। ये जो मेरा लैपटॉप है ये है एसुस का X555L, जो कि एक 15 इंच की स्क्रीन का लैपटॉप है। इस टेबल में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये जो कप होल्डर है ये लेफ्ट में दिया गया है, उस वजह से नॉर्मली हम राइट हैंडेड लोग हैं तो हम जब काम भी करते हैं तो राइट हैंड से करते हैं, और जब खाते पीते हैं तो भी राइट हैंड से करते हैं। तो ये कप होल्डर इस साइड थोड़ा कम पर्पस सॉल्व करता है प्रैक्टिकली। अगर इस लैपटॉप को
टेबल की लेफ्ट एज पे हमने रखा है, तो आप देखेंगे कि राइट एज पे आपको काम करने के लिए, माउस रखने के लिए काफ़ी सारी जगह मिल रही है। उसी के साथ साथ यहाँ ये पेन हम रख पा रहे हैं। अगर ये लैपटॉप को हमने कप होल्डर वाला पार्ट छोड़ के राइट में ले लिया तो ये कप रख, एक ग्लास रख के आप देख सकते हो कि कैसे ये टेबल पर सब कुछ फिट हो जा रहा है। और ये जो शेप भी दी गई है ये बॉडी के हिसाब से टेबल को अपनी तरफ लेके यूज़ करने में बहुत इजी होता है। अगर ये फ्लैट होता तो ये लगता रहता है इसका एज, फ्लैट एज हमारे पेट को, बट क्योंकि ये कर्व्ड है तो ये बहुत अच्छा शेप है। हाँ, जब माउस यूज़ करते हैं तो ये इसका शार्प एज है, ये काफ़ी बार लगता है क्योंकि ये टेबल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, मगर उसमें कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है इस टेबल का रिव्यू। हाँ, ये अगर लैपटॉप अगर बेड पर आपने रखा है तो ज़रूर टेबल थोड़ा थोड़ा हिलेगा लैपटॉप के वज़न से, मगर यही अगर टेबल हम ज़मीन पर रख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा स्टेबल रहता है ये टेबल। सो उम्मीद है आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं टेबल तो यूज़ ही कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखकर और मुझे पूछ लीजिए। थैंक यू।